बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे। ऐसे समय में जब 2022 विधानसभा चुनाव के पहले इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, उसके उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद सीएम योगी आदित्य प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहे हैं। आज वो ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी जनसभाओं में विपक्ष पर भी हमला बोलेंगे। तो आज ये 4 अहम दौरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। प्रतापगढ़ से ये दौरा शुरू होगा और लखनऊ में ख़त्म होगा जब सुरेश चंद तिवारी के पक्ष में वो लखनऊ में कैंट विधानसभा के लिए वोट मांगेंगे। तो काफ़ी अहम दौरा है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का इन 4 जिलों में। जी 11 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसी रैलियां कर रहे हैं, इससे चुनावी समीकरण बदल सकता है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक रखी है, 11 सीटों पर उपचुनाव होना है और बीजेपी मान रही है कि ये एक सेमीफाइनल है 2022 के विधानसभा चुनाव के जाने से पहले। ये अगर जो पार्टी ज़्यादा संख्या में सीट जीती है वो काफ़ी हौसले के साथ 2022 के विधानसभा इलेक्शन में जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी कोई कसर को छोड़ना नहीं चाहती है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है, 11 सीटों पर वो जाएंगे, जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है वहाँ वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। हमीरपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को जीत मिली थी, जिससे बीजेपी काफी उत्साहित है। उसका कहना है कि 11 सीटों पर ही बीजेपी जीते क्योंकि जनता उसके साथ है। जी लगातार जो योजनाएं चलाई जा रही है केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, जनता को उसको लाभ मिल रहा हो, शायद यही वजह है कि जनता उससे जुड़ रही है। ऐसे में खुद सीएम योगी आदित्य प्रचार के निकल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तमाम योजनाओं को गिना रहे हैं। पिछले ढाई साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन से फैसले किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां आई, तमाम चीजों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जी राहुल हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मधुर मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ में और भी 4 जगह योगी की रैली है, क्या सियासी समीकरण बदल सकता है? आपको बता दें, 11 सीटों में उपचुनाव होने, कहीं ना कहीं कानपुर भी एक बहुत बड़ा जिला है और कानपुर का चुनाव भी देखने लगा। कई बार जो कितनी जीते हुई हैं, इससे पूर्व में जो जीते हुई है, कानपुर का एक अलग ही पंचम रहा है। और ये जो उपचुनाव हो रहा है गोरनगर में, ये भी एक बहुत अलग इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा समीकरण आएंगे इसमें चुनाव में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ आए तो एक अच्छा समीकरण लेके आए। और ये रैली जो होने जा रही है आज सुरेंद्र मथानी जो उनके प्रत्याशी उनके पक्ष में, आज जो 3 बजे आज यहाँ रैली करेंगे, ये भी कहने के बहुत अच्छी साबित होगी। जी जी मधुमोहन जी, आज कानपुर में भी योगी आदित्यनाथ की रैली है, तो जनसभाएं संबोधित करने जा रहे हैं वो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई? हर तरीके की तैयारी पूरी कर ली गई, पैसे लगा दिए गए हैं, 500 से ज्यादा कर्मचारी लगा दिए, पुलिस कर्मचारी लगा दिए गए हैं यहाँ पे, और जितने भी जिले के अधिकारी हैं अगल बगल जो अधिकारी सबको बुला लिया गया, वो भी सब लगा दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेके जो भी व्यवस्था की गई बहुत जोरों की गई है और एक अच्छा चुनाव होने की उम्मीद है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़, कानपुर, चित्रकूट में सीएम की जनसभाएं हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। और नागपुर में